छात्रों, इसके अतिरिक्त हमें मिट्टी के मटके, तांबे के बर्तन, मिट्टी के बर्तन, कटोरियां, लोटे, पूजा की थाली, यूनानी मुद्रा, पत्थर के बाट, सिलबट्टे, शीत के आभूषण, तांबे के आभूषण, इसके अतिरिक्त छात्रों जो प्राप्त हो रहा है यहां से 45 फुट लंबे भवन के अवशेष, 45 फुट लंबे भवन के अवशेष, चार गुना पांच फुट लंबा सिलबट्टा, चावल, वे ज्वार के साक्ष्य, चार मिट्टी की बनी मानव की मूर्तियां, छात्रों जो ये आहार सभ्यता है, आहार सभ्यता से हमें जो प्राप्त हो रहा है छात्रों, वो क्या प्राप्त हो रहा है कि मकान प्राप्त हुए हैं, चूल्हे प्राप्त हुए हैं, मकान की मानव की हथेली की छाप वाला चूल्हा प्राप्त हुआ है, तथा एक मकान से 6 चूल्हे प्राप्त हुए हैं, आयताकार मकान यहाँ से प्राप्त हुआ है, संयुक्त परिवार प्रथा का प्रमाण प्राप्त हुआ है, संयुक्त भोजन व्यवस्था का प्रमाण प्राप्त हुआ है, कच्ची ईंटों का प्रमाण प्राप्त हुआ है, गोमेद पत्थर, विशिष्ट पत्थर, चकमक पत्थर, ये 3 प्रकार के पत्थर प्राप्त हुए, भवन, तांबे के उपकरण, मिट्टी का बना हुआ बेल जो पकाई गई मिट्टी का था, मिट्टी को पकाकर बेल बनाया गया प्राप्त हुआ है, तथा चक्रकूप प्राप्त हुआ है, मिट्टी के मणिये प्राप्त हुए, आभूषण हमें प्राप्त हो रहा है, इसके अतिरिक्त मिट्टी के मटके प्राप्त हुए, तांबे के बर्तन प्राप्त हो रहे, मिट्टी के बने बर्तन प्राप्त हुए, कटोरियां प्राप्त हुई, लोटे तथा पूजा की थाली भी यहाँ से प्राप्त हुई है, यूनानी मुद्रा यहाँ से प्राप्त हुई है, तथा पत्थर के बाट यहाँ से प्राप्त होते हैं, सिलबट्टे प्राप्त हो रहे हैं, सीप के आभूषण यहाँ से प्राप्त हो रहे हैं, तांबे के आभूषण यहाँ प्राप्त हो रहे हैं, 45 फुट लंबा एक भवन के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं, क्या प्राप्त हो रहे हैं छात्रों, 45 फुट लंबा एक भवन है, उसके अवशेष भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं, 4x5 फुट लंबा एक सिलबट्टा यहाँ से प्राप्त हुआ है, चावल व ज्वार के साक्ष्य भी यहाँ से
जो हमें प्राप्त हुए हैं, चार मिट्टी की बनी मानव की मूर्तियां, अर्थात चार जो मनुष्य थे उनकी मूर्तियां जो कि मिट्टी से बनी हुई है, वो भी हम यहाँ से प्राप्त हो रही। कहाँ से? आर नामक स्थान से। छात्रों, यहाँ के जो मकान थे, मकान ईंटों से बने, कच्ची ईंटों से बने हुए थे और आयताकार, इस प्रकार से आयताकार ये मकान बने हुए थे। इनकी नींव में जो पत्थर का प्रयोग किया जाता था वो कौन से? शिष्ट पत्थर का, वे गोमेद पत्थर का प्रयोग किया जाता था। शिष्ट वे गोमेद पत्थर का प्रयोग किया जाता था तथा जो चकमक पत्थर था इसके जो पीस कर इसे क्या है कि इसकी जो जो प्लास्टर किया, चकमक पत्थर से इसका प्लास्टर किया जाता था। गोमेद विशिष्ट पत्थर इसकी नींव में डाले जाते थे। चूल्हे, छात्रों जो चूल्हे यहाँ से प्राप्त हुए, चूल्हे संयुक्त परिवार प्रथा का प्रमाण प्रदान करते हैं। संयुक्त परिवार प्रथा का प्रमाण कौन प्रदान करते हैं? ये चूल्हे करते हैं। तथा संयुक्त रूप से भोजन की व्यवस्था थी, इस बात का प्रमाण भी कौन देते हैं? छात्रों, ये चूल्हे देते हैं। चूल्हे किस प्रकार से देते हैं कि मकानों में आहार सभ्यता के जो मकान थे, मकानों में एक से अधिक चूल्हे देखे गए हैं, अर्थात किसी मकान में दो चूल्हे, किसी में तीन, किसी में चार चूल्हे, तथा एक ऐसा मकान प्राप्त हुआ आहार की जो खुदाई की गई, आहार का उत्खनन किया गया, उसमें एक मकान ऐसा था जिसमें छह चूल्हे देखे गए। छात्रों, कितने चूल्हे थे जिसमें छह चूल्हे देखे गए? तथा एक चूल्हा ऐसा था जिस पर क्या है, मनुष्य की हथेली की छाप का चित्र बना हुआ था, अर्थात चित्रकारी करना भी जो ये लोग जानते थे। तो इस प्रकार से छात्रों ये संयुक्त परिवार प्रथा का प्रमाण प्राप्त होता है तथा मानव की हथेली की छाप वाला चूल्हा भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त जो छात्रों यहाँ से जो हमें प्राप्त होता है वो हमें बिना हत्ते का एक जल पात्र प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है छात्रों? बिना हत्ते का जल पात्र। आहार नामक जो स्थान है उसकी हमने जब खुदाई की तो यहाँ से हमें प्राप्त हुआ बिना हत्ते का जल पात्र। बिना हत्ते का, बिना हत्ते का जल पात्र, जल पात्र कहाँ से प्राप्त हो रहा छात्रों? ये प्राप्त हो रहा आहार से। किस प्रकार का? जैसे आपने गिलास देखी होगी, गिलास होती है इसके अंदर कोई हत्ता नहीं होता है, तो इस प्रकार का जो ये जल पात्र था कौन सी शैली का? ईरान के अंदर, ईरान, ईरान की शैली। ये कौन सी शैली छात्रों? ईरान की शैली है। अर्थात इससे पता चलता है कि आहार वाले क्या थे, ईरान को जानते थे तथा ईरान से उनका व्यापारिक संबंध होता था। तो इस प्रकार का बिना हत्ते वाला क्या है कि ये क्या है, जल पात्र प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये कौन सा था? कहाँ की इस प्रकार के जल पात्र कहाँ बनते थे? इस प्रकार के जल पात्र बनते थे ईरान देश के अंदर। कहाँ बनते थे छात्रों? ईरान देश के अंदर इसके से जल पात्र बनते थे। तो छात्रों ये बिना हत्ते का जो जल पात्र था कहाँ का था? ईरानी शैली का ये था। इससे पता चलता है कि ईरान से क्या था, व्यापार होता था। ईरान से व्यापार कहाँ से होता था? ईरान से। छात्रों इसी प्रकार से थाली मिली है पूजा की, ढक्कनदार थाली है इस प्रकार की, जो नीचे ढक्कनदार थाली मिली है स्टैंड वाली, क्योंकि स्टैंड इसके इस प्रकार की थाली मिली है छात्रों। तो ये थाली क्या है, ये भी किस ढंग की थी? ये भी ईरानी शैली की थाली थी। थाली, ये थाली कौन सी थी छात्रों? ये भी एक जो नीचे से स्टैंड टाइप एक थाली मिली, ये कहाँ की थाली थी छात्रों? ये थी ईरान की। इससे क्या पता चलता है कि आहार जो सभ्यता थी, आहार सभ्यता का व्यापारिक संबंध किससे था? ईरान देश से था। तो यहाँ पर ईरानी शैली की पूजा की थाली प्राप्त। कहाँ से हुई छात्रों? ये आहार सभ्यता से हुई, बिना हत्थे का जल पात्र कहाँ से प्राप्त हुआ छात्रों? ये भी आहार नामक स्थान से हुआ छात्रों। लाल वे काले रंग के मृद भांड प्राप्त हुए यहाँ से। क्या हुए? लाल वे काले रंग के मृद भांड, लाल वे काले रंग के मृद भांड कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं छात्रों? ये हो रहे हैं आहार नामक स्थान से। छात्रों अधिकतर लाल वे काले रंग के मृद भांड प्राप्त होने के कारण जो बड़े बड़े जो मटके हैं वो यहाँ से प्राप्त हुए छात्रों। तो इसलिए क्या कहा गया कि इनका रंग कैसा था, इनका जो रंग है छात्रों को कैसा है? इनका रंग है मृद भांड प्राप्त हुए, तो इनका जो रंग था छात्रों वो रंग कैसा था छात्रों? इनका वो रंग था इनका लाल वे काले। जो इस प्रकार के जो मृद भांड प्राप्त हुए, बड़े बड़े जो मटके प्राप्त हुए, तो ये कौन से थे? लाल व
वह काले रंग के, तो रंग कौन सा था इनका छात्रों, लाल वह काला। तो इस प्रकार के जो प्राप्त हुए, इसीलिए छात्रों इसे आहार जो सभ्यता, इसे इसे क्या कहा जाता है, इसे काले वे लाल मृदभांड वाली संस्कृति, काले वह लाल मृदभांड वाली, मृदभांड वाली संस्कृति, वाली संस्कृति किसे कहा जाता है छात्रों, आहार सभ्यता को, आहार सभ्यता को लाल वे काले रंग, लाल वे काले, लाल वे काले काले मर्द भांड वाली संस्कृति भी कहा जाता है। किसे, आहार को क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से बड़े बड़े जो मर्द भांड मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए, मिट्टी के मटके प्राप्त हुए, यहाँ से जो काले वे लाल रंग के हैं तथा सर्वाधिक काले वे लाल रंग के बर्तन प्राप्त होने के कारण इसे काले वे लाल रंग, काले वे लाल मर्द भांड वाली संस्कृति भी कहा जाता है छात्रों। इसके अतिरिक्त जो यहाँ से यूनानी मुद्रा आई हुई, मुद्रा प्राप्त होती छात्रों को कौन सी है, यूनानी मुद्रा प्राप्त होती, क्या हो रही छात्रों, यूनानी मुद्रा, यूनानी मुद्रा कहाँ से प्राप्त होती छात्रों, ये मुद्रा प्राप्त होती आहार से। यूनानी मुद्रा जो प्राप्त हो रही छात्रों, इसमें क्या है कि छह यूनानी मुद्रा की, छह तांबे की, छह तांबे की मुद्रा, यूनानी मुद्रा है, कितनी संख्या इसकी, छह तांबे की मुद्रा प्राप्त हो रही है, और तीन यूनानी मुद्रा, तीन यूनानी मोहर, मोहर भी यहाँ से क्या होती है प्राप्त, कहाँ से हो रही है, आहार से प्राप्त हो रही है, क्या हो रही है, यूनानी मुद्रा जिसकी संख्या तीन छह है और वो तांबे की बनी हुई है, और मोहरे कितनी है, तीन यूनानी मोहरे यहाँ से प्राप्त हो रही है छात्रों। जो ये यूनानी मुद्रा जो प्राप्त हो रही है, इसका इससे पता चलता है कि आहार तथा यूनान का भी व्यापारिक संबंध था। तो छात्रों यूनानी मुद्रा, यूनानी मुद्रा में क्या था कि इनमें से जो छह मुद्राएं जो प्राप्त हुई है, यूनानी मुद्रा छह में से जो तांबे के सिक्के प्राप्त हुए, एक सिक्का ऐसा था जिसमें क्या था, ये देखिए छात्रों इस प्रकार से ये सिक्का था, तो इसमें जो सिक्के का पहला भाग ही हो गया हेड टेल कह सकते हैं इनको, तो ये हेड हो गया, ये क्या हो गया टेल हो गया। तो छात्रों इसके एक तरफ क्या था कि एक तरफ त्रिशूल, जो ये तरफ क्या बना हुआ था, ये त्रिशूल बना हुआ था, क्या बना हुआ था, ये तरफ त्रिशूल बना हुआ था, तथा जो दूसरी तरफ इसमें अपोलो देवता, जो यूनान के देवता है, कहाँ के, यूनान के, अपोलो यूनान के देवता का नाम क्या है, अपोलो देवता, अपोलो देवता का चित्र, अपोलो देवता का चित्र बना हुआ था। साथ ही क्या है कि अपोलो देवता ने, अपोलो देवता मुद्रा के अंदर अपोलो देवता ने क्या लिया हुआ है कि तरकस हाथ में, अपोलो देवता ने हाथ में तीर व तरकस लिया हुआ है, तरकश, तरकश लिया हुआ है, तीर व तरकश लिया हुआ है छात्रों। तथा इसमें यूनानी भाषा में लेख लिखा हुआ है, यूनानी भाषा में, यूनानी भाषा में लेख, भाषा में लेख लिखा हुआ है छात्रों। जो यूनानी मुद्रा मिली है, यूनानी मुद्रा की संख्या कितनी थी, छह, और किसकी बनी हुई थी, तांबे की बनी हुई थी, किसकी बनी हुई थी छात्रों, तांबे की बनी हुई थी। यूनानी मुद्रा की संख्या छह है और तांबे की बनी हुई है, और मोहरों की संख्या कितनी थी, तीन मोहरे प्राप्त हुई यूनानी छात्रों। इनमें से एक जो मुद्रा ऐसी थी, एक मुद्रा, ये मुद्रा इस प्रकार की थी कि इस पर जो ये हेड है, इस ये हेड और ये टेल, सिक्के के दो भाग है, हेड और टेल, तो इसके अंदर क्या है कि एक तरफ त्रिशूल बना हुआ, क्या बना हुआ है, त्रिशूल, तथा दूसरा एक तरफ क्या बना हुआ है, यूनानी, यूनान के देवता, कौन से देवता, अपोलो देवता, यूनान के अपोलो देवता का चित्र बना हुआ है, तथा अपोलो देवता के हाथ में तीर व तरकश, जो तीर रखने का स्टैंड होता है कमर के पीछे, तो वो तरकश, तो ये क्या है कि तरकश लिया हुआ है उन्हें हाथ में, तथा इस पर यूनानी भाषा में लेख लिखा हुआ है। इस प्रकार से छात्रों ये पता चलता है कि आहार जो सभ्यता थी, आहार सभ्यता का व्यापारिक संबंध, व्यापारिक, व्यापारिक संबंध किसका, आहार सभ्यता का व्यापारिक संबंध किससे था छात्रों, वो था यूनान देश से, यूनान देश से व्यापारिक संबंध था। तो छात्रों हमें जो ईरानी शैली का जो पात्र मिला है, ईरानी शैली की जो पूजा की थाली मिली, उससे पता चलता है आहार का व्यापार ईरान देश से भी होता था, जो उस समय पर्सिया के नाम से जाना जाता था, तथा ये यूनानी जो मुद्रा प्राप्त हुई, इस यूनानी मुद्रा से हमें ये पता चलता है कि जो
यूनान देश से भी आहार सभ्यता का व्यापारिक संबंध था। तो इस प्रकार से छात्रों जो आहार के व्यापारिक संबंध की बात भी हमें पता चलती है। छात्रों अब हम देखते हैं कि आहार, आहार से जो हमें प्राप्त सामग्री हो रही है, आहार से जो हमें सामग्री प्राप्त हो रही है, इससे हमें आहार के उद्योग का भी पता चलता है। छात्रों यहाँ से क्या प्राप्त हो रहा है कि उद्योग कौन कौन से छात्रों आहार के अंदर की यहाँ से आहार के अंदर उद्योग कौन कौन से विकसित थे। छात्रों उद्योग विकसित थे यहाँ पर एक यहाँ पर वस्त्र यहाँ पर थे छात्रों उद्योग बर्तन तांबे ताम्र उपकरण बनाने का उद्योग दूसरा उद्योग था छात्रों यह मिट्टी के बर्तन बनाने का उद्योग छात्रों इसके अतिरिक्त आभूषण निर्माण तांबे के आभूषण निर्माण उद्योग तांबे के आभूषण निर्माण उद्योग छात्रों यहाँ पर जो उद्योग है उद्योग इन्हें प्राप्त सामग्रियों के आधार पर ये देखा जा सकता है कि उद्योग कौन सा था यहाँ पर कि तांबे के सर्वाधिक उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ से क्या है कि तांबे के उपकरण बनाने का उद्योग तांबे के जो अस्त्र शस्त्र बनाने का उद्योग तांबे के बर्तन बनाने का उद्योग यहाँ पर विकसित था। इसके अतिरिक्त मिट्टी के यहाँ पर मृद भांड प्राप्त हुए बड़े बड़े तो मिट्टी के बर्तन बनाने का भी यहाँ पर उद्योग विकसित था। तांबे के आभूषण निर्माण तांबे की या चूड़ियां प्राप्त हुई है तो इससे क्या पता चलता है कि जो तांबे के जो तांबे का जो निर्माण का उद्योग है अर्थात तांबे के आभूषण बनाने के उद्योग भी यहाँ पर विकसित थे। छात्रों इसके अतिरिक्त क्या है यहाँ से जो हमें प्राप्त हो रही है यहाँ से हमें जो अन्य जो चीजें प्राप्त हो रही छात्रों वो अन्य चीजें कौन कौन सी है आहार सभ्यता से जो हमें चीजें प्राप्त हो रही छात्रों वो चीजें हैं तांबे के मिट्टी के छह दीपक तांबे के दीपक मिट्टी के छह दीपक तांबे के दीपक छल्ले सलाइयां यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त छात्रों हाथी घोड़े बैलगाड़ी के पहिए मिट्टी के बने प्राप्त हो रहे हैं यहाँ से। इसके अलावा छात्रों 79 लोहे के उपकरण कील चाकू आटा पीसने की चक्की कुत्ते की हड्डियां माप तोल के बाद कुत्ते की हड्डियां यहां से प्राप्त हुई है। छात्रों जो ये यहाँ से सामग्री प्राप्त हो रही है इस सामग्री में मिट्टी के छह दीपक प्राप्त हुए तांबे के दीपक प्राप्त हुए छल्ले प्राप्त हुए सलाइयां प्राप्त हुई है हाथी घोड़े बैलगाड़ी के पहिए जो मिट्टी से बने हुए थे ये प्राप्त हुए 79 अर्थात 79 लोहे के उपकरण प्राप्त हुए कील व चाकू ये लोहे से बने हुए थे ये यहाँ से प्राप्त हुए आटा पीसने की चक्की तथा माप तोल के बाद कुत्ते की हड्डियां यहाँ से प्राप्त हुई है। तो छात्रों इससे पता चलता है कि
यहाँ पर कि ये लोह जो उपकरण प्राप्त हो रहे हैं, कौन से उपकरण छात्रों, लोह जो उपकरण प्राप्त हो रहे हैं, ये लोह उपकरण प्राप्त होने के कारण ये लोह युगीन सभ्यता भी थी, लोह युगीन संस्कृति का केंद्र भी था। तो आपको मैंने प्रारंभ में बताया था सभ्यता में कि ये ताम्र युगीन सभ्यता थी तथा ये लोह युगीन सभ्यता भी, लोह युगीन सभ्यता क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो 79 लोहे के उपकरण प्राप्त हो रहे हैं, लोहे के उपकरणों में कील चाकू इस प्रकार के उपकरण भी प्राप्त हो रहे हैं, और लोहे के उपकरणों की संख्या कितनी, 79। इसलिए क्या है छात्रों, ये लोह युगीन सभ्यता भी है। इसके अतिरिक्त जो छात्रों यहाँ से जो पता चलता है कृषि, कृषि का साक्ष्य पता चलता है, कृषि करने का प्रमाण, कृषि करने का प्रमाण, कृषि का प्रमाण किस प्रकार से पता चलता है छात्रों, यहाँ से चावल तथा जो ज्वार की फसल के साक्ष्य प्राप्त हुए। कौन सी फसल छात्रों, चावल, आहार सभ्यता में चावल तथा ज्वार की फसल, ज्वार की फसल के साक्ष्य में प्राप्त होते हैं, जिससे पता चलता है। इसके अलावा जो बैलगाड़ी मिल रही है, बैल का साक्ष्य मिल रहा है, इससे पता चलता है कि कृषि कार्य होता था और सिंचाई के लिए जो आहड़ नदी के अंदर, आहड़ नदी द्वारा सिंचाई की जाती थी, अर्थात उसके जल, जल द्वारा सिंचाई की जाती थी, सिंचाई का भी यहाँ पर पता चलता है। तो छात्रों कृषि के अंदर क्या चावल व ज्वार के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं, इसका मतलब चावल व ज्वार की जो फसलें थी यहाँ की मुख्य फसलें थी। छात्रों रंगाई छपाई उद्योग, रंगाई छपाई उद्योग का पता चल रहा है यहाँ पर, रंगाई छपाई उद्योग के साक्ष्य, रंगाई छपाई उद्योग के साक्ष्य, उद्योग के साक्ष्य। छात्रों रंगाई छपाई उद्योग के साक्ष्यों का साक्ष्य किस प्रकार से पता चल रहा है कि लकड़ी के जो लकड़ी के ठप्पे प्राप्त हुए, यहाँ से क्या प्राप्त हुए छात्रों, लकड़ी के ठप्पे प्राप्त हुए, लकड़ी के ठप्पे जो होते हैं, लकड़ी के ठप्पों द्वारा क्या किया जाता है छात्रों, लकड़ी के ठप्पों द्वारा रंगाई छपाई का कार्य किया जाता है। तो लकड़ी के ठप्पे कहाँ से प्राप्त हुए छात्रों, लकड़ी के ठप्पे प्राप्त हुए आहड़ नामक स्थान से, आहड़ नामक स्थान से ये ठप्पे प्राप्त होने के कारण ये पता, ये प्रमाणित हो गया है कि यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर जो रंगाई छपाई का जो उद्योग विकसित था, लकड़ी के बने ठप्पे प्राप्त, लकड़ी के बने यहां से ठप्पे प्राप्त हुए, इससे क्या पता चलता है कि रंगाई व छपाई उद्योग भी यहाँ पर विकसित था। इसके अतिरिक्त छात्रों जो यहाँ से प्राप्त होता है, यहाँ से बनासियन बुल क्या प्राप्त हो रहा है, बनासियन बुल क्या प्राप्त होता है छात्रों, बनासियन बुल क्या चीज है छात्रों, बनासियन बुल मिट्टी का बना हुआ एक बेल है तथा इसे पुरातत्वविदों ने क्या किया कि बनासियन बुल की संज्ञा दी है। ये क्या है छात्रों, मिट्टी का बना हुआ बेल है, बनासियन बुल क्या है, मिट्टी का बना वृषभ जिसे बेल भी कहा जाता है, मिट्टी की बनी वृषभ की मूर्ति जिसे पुरातत्व शास्त्रियों ने बनासियन बुल की संज्ञा दी है, बनासियन बुल की संज्ञा दी है छात्रों। तो ये मिट्टी का बना हुआ बेल है, अर्थात एक ऐसी चिकनी मिट्टी का एक बेल बनाया गया, फिर उसे पकाया गया, जब आहड़ सभ्यता का उत्खनन किया गया तो मिट्टी का बना बेल प्राप्त हुआ है, और जो पुरातत्व शास्त्री थे, पुरातत्ववेत्ता है, इन्होंने क्या किया कि पुरातत्व शास्त्रियों ने इसे बनासियन बुल की संज्ञा दी है, अर्थात बनास संस्कृति, आहार सभ्यता को बनास संस्कृति भी कहा जाता है, इसलिए जो इस बेल को क्या कहा गया, बनासियन बुल की भी संज्ञा दी गई। तो इसे बनासियन बेल क्या था, बनासियन बेल था छात्रों मिट्टी का बना हुआ एक खिलौना था जिसे बनासियन बुल की संज्ञा दी गई। छात्रों मिट्टी की बनी वृषभ अर्थात बेल की मूर्ति जिसे पुरातत्व शास्त्रियों ने बनासियन बुल की संज्ञा दी, ये था बनासियन बुल। छात्रों
इसके अतिरिक्त जो चक्रकूट के प्रमाण मिले, कौन से प्रमाण, ये चक्रकूट है, चक्रकूट के प्रमाण मिल रहे हैं। तो चक्रकूट किस प्रकार से था छात्रों, उसे हम देखते हैं। चक्रकूट छात्रों घरों के अंदर घरों में से गंदा पानी निकालने के लिए तथा चक्रकूट, चक्रकूट का जो उपयोग किया जाता है, चक्रकूट, चक्रकूट क्या था छात्रों घरों में, चक्रकूट, चक्रकूप का निर्माण इस प्रकार से किया जाता था छात्रों। इस प्रकार से ये क्या करते थे कि ये गहरा खड्डा खोद दिया इन्होंने, और इसमें जो ये क्या करते थे कि ये मटके स्थापित कर देते थे। इस प्रकार छात्रों आपने देखे भी होंगे कि गर्मियों में पानी पीने के लिए इस प्रकार से मटके लगे होते हैं, एक के ऊपर एक इस प्रकार से मटके लगा दिए जाते हैं, यहाँ पर छेद होता है, छेद होते हैं, तो ये पानी इस प्रकार से अंदर चला जाता है। छात्रों इस प्रकार क्या करते थे कि एक ये खड्डा खोद देते थे और उस खड्डे के अंदर जो ये इस प्रकार से ये जो घड़े रख देते थे, किस प्रकार से, इस प्रकार से घड़े रख देते थे तथा जो गंदा पानी होता था, गंदा पानी क्या है कि इनके अंदर चला जाता था, या वर्षा ऋतु के, वर्षा ऋतु में जो अत्यधिक पानी घरों में आ जाता था उसको इस चक्रकूप के माध्यम से क्या करते थे, ये निकालते थे। घरों का गंदा पानी निकालने के लिए चक्रकूप का प्रयोग किया जाता था तथा घरों में वर्षा के समय अत्यधिक पानी भर जाता था, तो अत्यधिक पानी को बाहर निकालने के लिए चक्रकूप का प्रयोग करते थे। तो ये क्या करते थे, खड्डा खोद देते थे और उसके अंदर इस प्रकार से ये मटके लगा देते थे और इसमें जो पानी था वो पानी डाल देते थे। ये पानी क्या है कि इन मटकों के माध्यम से जो जमीन में उतर जाता था और वो उस पानी, उसको पानी रिस जाता था। तो इस प्रकार से क्या है कि ये घरों का गंदा पानी निकालने के लिए चक्रकूप का प्रयोग करते थे और घरों में गंदा पानी निकालने तथा घरों में अत्यधिक पानी भर जाने पर ही क्या करते थे, चक्रकूप का प्रयोग करते थे। छात्रों इसके अतिरिक्त जो यहाँ से जो ये यहाँ से के जो मृद भांड थे, अर्थात जो मिट्टी के बर्तन थे छात्रों, ये मिट्टी के बर्तन, जो मिट्टी के बर्तन थे छात्रों, ये उल्टी तपाई विधि द्वारा जो मिट्टी के बर्तन थे, अर्थात जो मिट्टी के बड़े बड़े मटके हैं या अन्य वो चीजें, तो ये क्या है कि जो उल्टी तपाई विधि द्वारा, कौन सी विधि, उल्टी तपाई विधि, उल्टी तपाई विधि के द्वारा ये इनका क्या करते थे कि उल्टी तपाई, उल्टी तपाई, उल्टी तपाई विधि, उल्टी तपाई विधि द्वारा इन्हें ये पकाते थे। उल्टी तपाई विधि द्वारा पकाना, किसे पकाना, मिट्टी के बर्तनों को, मिट्टी के बर्तन, तो मिट्टी के बर्तन को क्या करते थे, उल्टी तपाई विधि द्वारा मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन किस विधि द्वारा, उल्टी तपाई विधि के द्वारा ये पकाते थे आहार निवासी। तो मिट्टी के बर्तनों को बनाने की विधि थी इनकी उल्टी तपाई विधि, तो उल्टी तपाई विधि के माध्यम से ये इन बर्तनों को बनाते थे। छात्रों जो बनासियन पुल है, बनासियन पुल टेरा कोटा कला का, टेरा कोटा जो कला थी इसका अनुपम उदाहरण है। टेरा कोटा कला क्या होती है, मिट्टी से निर्मित मूर्ति, जो मिट्टी से, टेरा कोटा कला, टेरा कोटा कला मिट्टी से निर्मित मूर्ति जिसे आग में पकाया जाता है। छात्रों टेराकोटा कला क्या कहलाती है, जो ये बनासीन पुल था वो टेराकोटा कला का नमूना है। इस टेराकोटा कला को मृण मूर्ति अर्थात मिट्टी की मूर्ति भी कहा जाता है, मृण मूर्ति भी इसे कहा जाता है। टेराकोटा कला को क्या कहा जाता है कि मृण मूर्ति के नाम से भी जाना जाता है। तो मृण मूर्ति या टेराकोटा कला क्या है, मिट्टी से निर्मित मूर्ति जिसे आग में पकाया जाता है। मिट्टी से, न्यू टाइप में आ सकता है छात्रों आपके, मिट्टी से निर्मित मूर्ति जिसे आग में पकाया जाता है क्या कहलाती है, वो कहलाती है टेराकोटा कला। छात्रों जो ये जो आपके आहार सभ्यता की एक विशेषता ये भी है
गोरे वे कोट, यहां से हमें गोरे वे कोट प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ छात्रों? गोरे वे कोट प्राप्त हुआ है छात्रों। गोरे वे कोट, गोरे वे कोट क्या था छात्रों? गोरे वे कोट छात्रों, आहार सभ्यता से जो अनाज का संग्रहण करने के लिए विशाल बड़े बड़े कोठे बनाए गए थे। विशाल बड़े बड़े क्या थे? कोठे बनाए गए थे, अर्थात इनके अंदर जो अनाज क्या था, संग्रहित किया जाता, अनाज डाल दिया जाता था और या नीचे से छेद होता था या नीचे से रास्ता होता था, इससे अनाज निकाल दिया जाता था। छात्रों आज भी जो मेवाड़ का क्षेत्र है, मेवाड़ के क्षेत्र के अंदर इस प्रकार के कोठों का निर्माण किया जाता है। छात्रों जो बनास जो आहड़ है, आहड़ में क्या किया गया था कि अनाज एकत्र करने के लिए अनाज एकत्र करने के लिए अनाज एकत्र करने के लिए मिट्टी के बड़े बड़े कोठों के बड़े बड़े कोठों का अनाज एकत्र करने के लिए मिट्टी के बड़े बड़े कोठों का निर्माण किया गया। अनाज एकत्र करने के लिए मिट्टी के बड़े बड़े कोठों का निर्माण किया गया, जो स्थानीय भाषा में गोरे वे कोट कहलाते हैं। गोरे वे कोट छात्रों, आहार सभ्यता में अनाज का एकत्र करने के लिए मिट्टी के बड़े बड़े कोठों का निर्माण किया जाता था, जो स्थानीय भाषा में क्या कहलाते थे? गोरे वे कोट कहलाते थे। तो छात्रों जो आहार सभ्यता थी, आहार सभ्यता में इस प्रकार के क्या करते थे? मिट्टी के बड़े बड़े जो कोठों का निर्माण कर दिया जाता था, इनके ऊपर से अनाज डाल देते थे तथा इधर से ये रास्ता होता था, इससे अनाज निकल जाता था। तो छात्रों इस प्रकार से क्या है कि ये गोरे वे कोट कहाँ से मिले? ये गोरे वे कोट मिले कहाँ से छात्रों? ये मिलते हैं जो आहार सभ्यता से। तो छात्रों जो आहार नामक पुरातात्विक स्थल है, आहार नामक जो पुरातात्विक स्थल की जब खुदाई की गई तो यहाँ से हमें निम्न प्रकार की सामग्री प्राप्त हुई, जैसे बनासी अंगुल प्राप्त हुआ है, मिट्टी का बना बैल, चक्रकूट के प्रमाण प्राप्त हुए, मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए, मिट्टी के बर्तनों को उल्टी तपाई विधि द्वारा जो तपाई बनाया जाता था, मिट्टी के 6 दीपक प्राप्त हुए, 4 तांबे के दीपक प्राप्त हुए, छल्ले सलाइयाँ प्राप्त हुई, घोड़े बेल के पहिए तथा मिट्टी के बने पहिए तथा मिट्टी के बने हुए जो मिट्टी से निर्मित जो हाथी घोड़े बेल के पहिए बैलगाड़ी के पहिए प्राप्त हुए, बैलगाड़ी यहाँ से प्राप्त हुई हमें, तथा 79 जो अथवा 79 अर्थात 79 जो हमें लोहे के उपकरण प्राप्त हुए हैं, कील वे चाकू भी प्राप्त हुए जो लोहे की है, इसके अलावा आटा पीसने की चक्की, माप तोल के बाट, कुत्ते की हड्डियां, कृषि के प्रमाण, रंगाई छपाई उद्योग के साक्ष्य, लकड़ी के बने ठप्पे यहाँ से हमें प्राप्त होते हैं, यूनानी मुद्रा प्राप्त हुई है, पत्थर के बाट प्राप्त हुए, सिलबट्टे प्राप्त हुए, सीप के आभूषण प्राप्त हुए, तांबे के आभूषण, 45 फुट लंबे भवन के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए, 4x5 फुट लंबा सिलबट्टा प्राप्त हुआ यहाँ से, चावल वे ज्वार के जो फसल के हमें साथ से प्राप्त हुए, 4 मिट्टी की बनी मानव की मूर्तियां यहाँ से प्राप्त हुई है, ईरानी शैली की पूजा की थाली प्राप्त हुई है, बिना हत्ते का जो जलपात्र जो ईरान का था ये हमें यहाँ से प्राप्त हुआ है, लाल वे काले रंग के मृद भांड यहाँ से प्राप्त हुए, यूनानी मुद्रा मतलब 6 तांबे की मुद्रा प्राप्त हुई है और 3 यूनानी मोहरे भी प्राप्त हुई है, मकान में चूल्हे यहाँ से प्राप्त हुए हैं, मानव की हथेली की छाप वाला एक चूल्हा प्राप्त हुआ है, एक मकान ऐसा था जिसमें 6 चूल्हे हमें प्राप्त हुए, आयताकार मकान हमें यहाँ से प्राप्त हुए, संयुक्त परिवार प्रथा का प्रमाण प्राप्त हुआ है, संयुक्त भोजन व्यवस्था का यहाँ से प्रमाण प्राप्त हुआ है, कच्ची ईंटों का हमें यहाँ से प्रमाण प्राप्त हुआ है, गोमेद पत्थर, शिष्ट पत्थर, चकमक पत्थर
कौन सा पत्थर? गोमेद पत्थर, शिष्ट पत्थर, चकमक पत्थर, ये तीन प्रकार के पत्थर प्राप्त हुए हमें। भवन प्राप्त हुए, तांबे के उपकरण प्राप्त हुए, मिट्टी का बना बेल जिसे टेराकोटा कला या मृण कला भी कहा जाता है, और यह मृण कला या टेराकोटा कला में बनाया गया मिट्टी का बेल प्राप्त हुआ है, जिसे पुरातत्व शास्त्रियों ने बनासियन बुल की संज्ञा दी, यहां से प्राप्त हुआ है। चक्रकूप के प्रमाण प्राप्त हुए, घरों से गंदा पानी निकालने या घरों के अंदर से अतिरिक्त पानी निकालने के लिए चक्रकूप का निर्माण किया जाता था, उसके प्रमाण भी हमें प्राप्त हुए। मिट्टी के मणिये प्राप्त हुए, यहाँ से तांबे तथा मिट्टी के आभूषण प्राप्त हुए, मिट्टी के मटके प्राप्त हुए, तांबे के बर्तन प्राप्त हुए यहाँ से, तथा मिट्टी के मिट्टी तथा कटोरियां प्राप्त हुई, लोहे तथा पूजा की थाली यहाँ से, लोहे तथा कटोरियां प्राप्त हुई, ये लोटे यहाँ से प्राप्त हुए, तथा पूजा की थाली भी यहाँ से प्राप्त हुई। तो छात्रों, इसके अतिरिक्त जो हमें जो आहार सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी, गोरेवे कोट का निर्माण करना, किसका निर्माण करना? गोरेवे कोट का निर्माण करना। तो अनाज का एकत्र करने के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके ये, न्यूटेक में कई बार आपके पूछा जाता है कि गोरेवे कोट क्या कहलाते हैं। आहार संस्कृति में अनाज को एकत्र करने के लिए मिट्टी के बड़े बड़े कोठों का निर्माण किया जाता था। इस मिट्टी के बड़े बड़े जब कोठों का निर्माण किया जाता था तो उन्हें क्या कहा जाता था? गोरेवे कोट कहा जाता था। तो छात्रों, इस प्रकार से जो ये आहड़ सभ्यता है, आहड़ नामक जो पुरातात्विक स्थल है, ये उदयपुर जिले के आहड़ नामक स्थान पर स्थित है, तथा ये आहड़ नदी से बेरस नदी भी कहते हैं, उसके किनारे उसके तट पर ये स्थित है, और यहाँ से हमें निम्नलिखित प्रकार की जो हमें सामग्रियां प्राप्त हुई है, और इन सामग्रियों का जो अध्ययन करके, इन सामग्रियों का जो अध्ययन करने के बाद में हमें तत्कालीन समय की जो आहार सभ्यता थी उसकी सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक स्थिति का हमें पता चलता है। तो छात्रों, इस प्रकार से जो हमारा ये आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। धन्यवाद।